लोको छोटू एक्चुअली हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए जो कि एएसडी सिम्टम्स होते हैं दिन में, और उनके लिए हम एक इंटरैक्टिव रोबोट बना रहे हैं क्योंकि वो सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सोशली कनेक्ट करने के लिए एक एआई बेस्ड इंटरैक्टिव रोबोट बना रहे हैं। जी हम एक स्टार्टअप है एनआईसी का, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, हम रिसेंटली इंक्यूबेट हुए हैं। लोको छोटू एक्चुअली हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए जो कि एएसडी सिम्टम्स होते हैं दिन में, और उनके लिए हम एक इंटरैक्टिव रोबोट बना रहे हैं क्योंकि वो सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सोशली कनेक्ट करने के लिए एक एआई बेस्ड इंटरैक्टिव रोबोट बना रहे हैं। जो मेन कंसर्न है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो है जो हमारे बच्चे होते हैं ये सोशली कनेक्टेड नहीं होते, ह्यूमन इंटरेक्शन उनकी कम होती है, वो थोड़ा डरते हैं। सो अब डिजिटली एक अवेयरनेस आ गई है, बच्चे हमारे देखते हैं आपके घर में हमारे घर में कि शायद हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर हमारे बच्चे दे रहे होते हैं क्योंकि वो उससे कंफर्टेबल हैं, बिकॉज वो शायद उनको लगता है हार्मलेस नहीं है इन दैट सेंस, जिस तरह एक ह्यूमन इंटरेक्शन में एक सामने वाला आपके लिए हार्मलेस होता है। सो हम उस चीज़ को कैटर करना चाहते हैं, तो जो हमारे एज डी बच्चे थे वो थोड़े ज़्यादा सोशली डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो हम सबसे पहले उस इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि वो अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है तो एटलीस्ट एक रोबोट के साथ इतनी इंटरेक्शन कर लें कि वो अपने आप के अंदर एक 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 तब्दीली ला सकें, तो उस मकसद से हम काम कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल इनिशियली हम उनकी जो है वो जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। तो बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे जो बच्चे होते हैं जो एजी सेंटर उनको किसी को टच करना होता है तो वो थोड़े से ज़्यादा उसके ऊपर एक्टिव होते हैं, तो हम उसको इस तरह एड्रेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कहीं टच करते हैं तो कहता है आउच, तो ये दो तीन दफ़ा जब आप करते हैं तो ये कहता है कि इट हर्ट्स, तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि आपने किसी की आँख में आपने कुछ प्रेस नहीं करना या कुछ फेंकना नहीं है। सो वो जब ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देते हैं तो डॉक्टर जो है ना उनको वो समझा सकता है कि देखें जब आप इसे टच करते हैं तो ये होता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, और हम इसे इतना एआई कंपैटिबल बना रहे हैं कि ये खुद भी उस बिहेवियर को बच्चे को देख के उसको बता सके कि मैं इस वक्त मेरा इस वक्त ये फीलिंग है कि मैं आपसे जी नाराज़ हूँ या मैं आप इस वक्त आपसे खुश हूँ। सो लेकिन हम इसको डॉक्टर को भी एक पैनल देते हैं कि वो ये फीलिंग जो है ना बच्चे को दे सके कि जो आपने इस वक्त किया है इट्स नॉट वेरी गुड, तो मतलब दिस इज़ नॉट डन, आपको जो है आपको सोचना होगा नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू दिस थिंग। सो हम इसकी ये कर सकते हैं, हम इसका मोशन प्लेटफॉर्म है, इनिशियली हम एक डिस्टेंट रखते हैं बच्चों के साथ, बट देन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब लेके आते हैं, हम इसे कस्टमाइजेबल बनाते हैं बच्चे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमारा इसके लिए नाम लोको है, बट फॉर एग्जाम्पल बच्चे को ये नाम पसंद नहीं आता, तो हम इसको कस्टमाइजेबल इस तरह बना सकते हैं, इस तरह ऑटोनोमस बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है जी मुझे इसका नाम जो है वो लूसी रखना है मे बी, सो ये लूसी के नाम से फिर उसके साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। इसके कंप्लीट मोशन प्लेटफॉर्म है, हम इसे मूव कर सकते हैं 360 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर्स लगे हुए हैं हमारे, जिसके अंदर डॉक्टर अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है जो शायद रोबोट ने उस वक्त नहीं की तो वो डॉक्टर इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फेज वन था जिसके हम अभी रिजल्ट्स गैदर कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रिसेंटली हमने दो हॉस्पिटल्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको इंस्टॉल किया है, कोरंगी में एक स्पेशल केयर यूनिट इनॉग्रेट किया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे हमने रिसेंटली एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको इंस्टॉल किया। जो हमारा गोल है वो ये नहीं है कि हम इसे हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल करें, बट हमारा जो मेन गोल है इस कॉज को करने का वो है कि हम इसे इसको आम कर दें, हम लोगों के घरों पर पहुँचाते हैं, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि हम इंटरनेशनल कॉन्टेंट पर काम करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सेसिबल करते हैं हर उस बच्चे के लिए जिसको ज़रूरत है। इस वक्त हम इसको रिटेल मार्केट या 1-to-1 या B2C पे हम नहीं जा रहे, मॉडल अभी हमारा नहीं है, बट वंस द कंटेंट इज़ डिवेलप तो हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएंगे। वो सब्सक्रिप्शन मॉडल स्ट्रक्चर की नहीं होगी, द रीज़न इसके स्ट्रक्चर की कॉस्ट हम नहीं लेना, जो कॉन्टेंट होगा उस कॉन्टेंट की जो डिवेलपमेंट कॉस्ट आएगी वो हम सब्सक्रिप्शन वाइज शेयर कर देंगे, बट it will be accessible to each and everyone around the world inshallah, and we are hopeful ke we are looking for partners jo ke cause mein hamare sath kaam kar sake, and we develop a complete content, interactive content for those children jo ke
थोड़े से निगलेक्टेड है हमारी कम्युनिटी, जिसका इंटरेक्टिव जो हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, इट नीड्स टाइम एंड इट आल्सो नीड्स इन्वेस्टमेंट। तो हमारे कुछ डेवलपर्स हैं जो रेगुलरली डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज़।